हेलो स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं क्लास टेंथ का चैप्टर 7 एटॉमिक थ्योरी, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन, एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन, रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, ये सब पढ़ा था। आज की क्लास में हम पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास नेसेसिटी ऑफ क्लासिफिकेशन। किसी भी एलिमेंट को क्लासिफाई करने की क्या ज़रूरत थी वो हम पढ़ेंगे। इट इज़ वेरी हार्ड टू रिमेंबर ऑल द एलिमेंट्स सेपरेटली टू स्टडी अबाउट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। इसका मतलब है कि कोई भी एलिमेंट हो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को अलग अलग करके पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और उनको याद रखना भी हार्ड होता है। इसलिए क्लासिफाई करके इनको, जैसे सेम प्रॉपर्टीज़ को एक साथ और सेम जो एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक नंबर सेम है उनको एक साथ रखा गया। साइंटिस्ट ट्राइड टू अरेंज एलिमेंट्स सिक्वेंटली बेस्ड ऑन सम प्रॉपर्टीज़ सो दैट इट बिकम्स ईजियर, सिंपल एंड रैशनल टू स्टडी द एलिमेंट्स। साइंटिस्ट वगैरह ने क्या किया कि अरेंज कर दिया एलिमेंट्स को उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर, जिससे उनको समझना आसान हो जाए। अब आपको कोई कहे कि क्लासिफिकेशन से आप क्या समझते हो, तो क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड हाइपोथेसिस ऑफ मैनी ईयर्स गिवन बाय साइंटिस्ट। साइंटिस्ट ने इतने सालों से जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उनका जो रिज़ल्ट निकल के आया है वही क्लासिफिकेशन है। उन्होंने अलग अलग क्लासिफाई किया है एलिमेंट्स को, तो इसी को हम क्लासिफिकेशन का नाम दे रहे हैं। अब नेक्स्ट है पीरियोडिक टेबल। हमने पीरियोडिक टेबल किसको कहा है? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन अ टेबल इज नॉन एज पीरियोडिक टेबल। जितने भी एलिमेंट्स फाइंड आउट हुए हैं अभी तक उन सब का अरेंजमेंट एक टेबल में किया गया है जिसको हमने नाम दिया है पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे डोबेराइनर। डोबेराइनर जी ने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया और उन्होंने जो एलिमेंट्स लिए थे वो तीन तीन के ग्रुप में थे, तो उन्होंने इसे नाम दिया ट्रायड रूल। डोबेराइनर्स नेम कम फर्स्ट इन द रिगार्ड इन 1829 ही गेव ट्रायड रूल। He grouped elements in number of three elements having similar chemical and physical properties. उन्होंने तीन तीन के ग्रुप में एलिमेंट्स को रखा जिनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सेम हों। These groups were called Doberiner's triad. और इन्हीं ग्रुप को क्या बोला गया है? Doberiner's triad. उनका ये एक्सपेरिमेंट एटॉमिक मास पे बेस्ड था। In a triad, the mass of middle element was nearly equal to the average of first and third element. और उन्होंने middle element को इस तरह arrange किया था कि first और third का average निकालेंगे तो second वाले element का mass आएगा। Also, properties of this middle element was intermediate between first and third element. और middle element की जो properties थी वो first और third दोनों से match खाती हुई थी। This is based on atomic mass. Atomic mass is equals to sum of proton and neutron. Atomic mass क्या होता है? Proton और neutron का sum, मतलब addition. इन्होंने तीन group लिए। फर्स्ट था लीथियम, सोडियम और पोटेशियम का। सेकंड था कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम का। थर्ड ग्रुप इन्होंने लिया क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन एलिमेंट्स का। इन्होंने बताया कि अगर हमें सोडियम का एटॉमिक मास निकालना है तो हमें लीथियम और पोटेशियम का एटॉमिक मास का सम करना होगा और उसका एवरेज निकालना होगा। तो लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 7 और पोटेशियम का 39। और जब हम लिथियम और पोटेशियम का एटॉमिक मास का एवरेज निकालेंगे तो आएगा 23। और 23 किसका एटॉमिक मास होता है? सोडियम का। इस तरह हम फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास से सेकंड वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास निकाल सकते हैं।
लिथियम का एटॉमिक मास 7 होता है, सोडियम का 23 होता है और पोटेशियम का 39 होता है। जब लिथियम और पोटेशियम का एटॉमिक मास का एवरेज निकालते हैं तो 23 आता है, मतलब सोडियम का एटॉमिक मास हमें मिलता है। इसी तरह क्लोरीन और आयोडीन के एटॉमिक मास का एवरेज निकालकर हम ब्रोमीन का एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। लेकिन इनका जो ये रूल था वो सिर्फ इन्हीं एलिमेंट्स पर फॉलो हुआ, इसके आगे उनका रूल फॉलो नहीं हुआ। डोबेराइनर फॉर्म्ड ओनली 3 ट्रेड्स ऑफ सच टाइप, इन्होंने सिर्फ 3 ही ग्रुप बनाए थे। दिस लॉ कुड नॉट बी फर्दर अप्लाइड, इनके बाद इसको अप्लाई नहीं किया जा सकता था। सो डोबेराइनर्स लॉ इज फेल्ड, इसलिए उनका ये जो लॉ था वो फेल हो गया था। डोबेराइनन जी के बाद एक और साइंटिस्ट आए, जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड। ही गेव लॉ ऑफ ऑक्टेव्स इन 1865। उन्होंने 1865 में ऑक्टेव रूल दिया। ही अरेंज्ड एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, उन्होंने एलिमेंट्स को इस तरह अरेंज किया कि उनका एटॉमिक मास इंक्रीज होता जाए। एंड ही ऑब्जर्व दैट प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट आर रिपीटेड फ्रॉम 8 एलिमेंट, और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी है वही 8th वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज आ रही है। जस्ट लाइक एज म्यूजिकल नोट, जैसे म्यूजिकल नोट्स होते हैं सारे गामा पाधा नीसा, जैसे फर्स्ट नोट पे सा आता है वैसे ही 8th नोट पे भी वापस क्या आ रहा है, सा आ रहा है। उसी तरह उनके इस लॉ में फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज 8th वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के सेम थी। इसी रीज़न से उन्होंने अपने इस रूल को ऑक्टेव रूल का नाम दिया, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के सेम थी। उनके इस रूल के अकॉर्डिंग जो लिथियम एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज सोडियम के सेम होगी, बेरिलियम की प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम के सेम होगी, बोरोन की प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम के सेम होगी, क्योंकि इनका रीज़न क्या था कि फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी के सेम होगी। और इसके अकॉर्डिंग जो सोडियम आयन है और लिथियम आयन है उनकी प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट सेम थी, बेरिलियम मैग्नीशियम और कैल्शियम की प्रॉपर्टीज़ भी ऑलमोस्ट सेम थी। ही अप्लाइड ऑक्टेव लॉ ऑन लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन पोटेशियम एंड कैल्शियम। द लॉ ऑफ ऑक्टेव कुड नॉट बी अप्लाइड बियॉन्ड कैल्शियम, कैल्शियम के बाद ये रूल फॉलो नहीं हुआ, इसलिए ये साइंटिस्ट भी पीरियोडिक टेबल बनाने में फेल हो गए। थर्ड साइंटिस्ट आए मेंडेलीव। ही इंडिपेंडेंटली डेवलप्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। इन्होंने जैसे क्लासिफाई किया था एलिमेंट्स को उस तरह पहले किसी ने नहीं किया था, इसलिए इनको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो कोशिश की थी वो काफ़ी हद तक सफल हुई थी। इन्होंने एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया था। ही गेव अ पीरियोडिक लॉ बेस्ड ऑन दिस बेस, अकॉर्डिंग टू दिस द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इन्होंने एक पीरियोडिक लॉ दिया था, उन्होंने क्या कहा कि जो एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक मास के बेस पर जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो कुछ टाइम बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी। ही अरेंज एलिमेंट्स इन वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजेंटल रो, इन्होंने वर्टिकल कॉलम्स और हॉरिजेंटल रोज में इन एलिमेंट्स को अरेंज किया। हॉरिजेंटल रोज को इन्होंने पीरियड्स कहा और वर्टिकल कॉलम्स को इन्होंने ग्रुप का नाम दिया। दिस टेबल कंटेंस टोटल 8 ग्रुप्स, इस टेबल में 8 ग्रुप्स थे विच आर सब डिवाइडेड इंटू 2 सब ग्रुप्स ए एंड बी, और ये भी 2 ग्रुप में डिवाइड थे ए एंड बी। बाय दैट टाइम नोबल गैसेज वर नॉट डिस्कवर्ड यट, उस टाइम नोबल गैसेज नहीं खोजी गई थी।
और अब इन गैसेस को जीरो ग्रुप में रखा गया है अलग से। टोटल सिक्स पीरियड्स वर फॉर्म्ड विच दे वर अगेन सब डिवाइडेड इनटू सीरीज। इसमें एट ग्रुप्स थे और सिक्स पीरियड्स थे। ही अरेंज्ड एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। उन्होंने एलिमेंट्स को इस तरह अरेंज किया था कि उनके एटॉमिक मासेस इंक्रीजिंग ऑर्डर में हों। ही कन्फर्म दैट एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। और उन्होंने इस बात का ध्यान रखा था कि उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम हों, मस्ट बी प्लेस इन द सेम ग्रुप, और उनको सेम ग्रुप में रखा जाए, सो दैट पीरियोडिसिटी ऑफ द एलिमेंट शुड बी मेंटेन्ड। ऑल्सो ही रिमेंड सम प्लेसेज वैकेंट इन द पीरियोडिक टेबल फॉर सम एलिमेंट्स एंड फोरकास्ट देयर प्रॉपर्टीज ऑल्सो। और उन्होंने कुछ खाली स्पेस भी रखा था कि इन फ्यूचर अगर कोई एलिमेंट खोजा जाता है तो वो यहाँ रख दिया जाएगा। वर्टिकल लाइंस को इन्होंने ग्रुप का नाम दिया और इस टेबल में 8 ग्रुप थे, और जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं उनको पीरियड्स का नाम दिया जो सीरीज में थी। इनकी नंबर क्या था? 6 था। तो पहले हम ग्रुप से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, रुबीडियम, सिल्वर, सीजियम और गोल्ड था। सेकंड ग्रुप में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, स्ट्रॉन्शियम, कैडमियम, बेरियम और मरकरी था। इस तरह इनको ग्रुप्स और पीरियड्स में अरेंज कर रखा था। जिस टाइम इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाई थी उस टाइम टोटल नॉन एलिमेंट्स 56 थे, जिसमें फर्स्ट हाइड्रोजन था और लास्ट थोरियम एलिमेंट था। लेकिन उन्होंने जो अपने टेबल में स्पेस रखा था वो 63 एलिमेंट्स के लिए रखा था, ताकि बाद में कोई एलिमेंट आए तो उनको इस टेबल में अरेंज किया जा सके। ही पुट वैकेंट स्पेसेस फॉर इका बोरोन, इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकन एंड इका मैग्नीशियम। उन्होंने कुछ खाली स्पेस भी रखा था जिसका नाम उन्होंने इका बोरोन, इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन एंड इका मैग्नीशियम रखा। और उनका जो अनुमान था कि यहाँ पे कोई नए एलिमेंट्स खोजे जाएंगे वो सही हुआ, क्योंकि यहाँ पे 4 नए एलिमेंट खोजे गए जिनके लिए उन्होंने स्पेस रखा था। जो नए एलिमेंट्स खोजे गए थे उनका नाम क्या था? स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम एंड टेनेशियम। इका बोरोन की जगह स्कैंडियम आ गया, इका सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम आया, इका एल्यूमिनियम की जगह गैलियम खोजा गया और इका मैग्नीशियम की जगह टेनेशियम मिली थी। फॉर्मेशन ऑफ दिस पीरियोडिक टेबल प्रूव्ड वेरी हेल्पफुल एंड यूजफुल इन द फील्ड ऑफ क्लासिफिकेशन एंड स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी वो काफ़ी हेल्पफुल और यूजफुल साबित हुई एलिमेंट्स की स्टडी करने में और उनको क्लासीफाई करने में। इवन मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल हैज सम लिमिटेशंस विच आर एज फॉलोज। लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी इनमें कुछ कमियां थी, कुछ लिमिटेशंस थी। फर्स्ट था, एट सम प्लेसेस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास वाज नॉट फॉलोड। इन्होंने कहा था कि चाहे पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाओ या टॉप से बॉटम जाओ, एलिमेंट्स का एटॉमिक मास हमेशा बढ़ेगा। लेकिन कोबाल्ट और निकल, इनमें कुछ ऐसा अरेंज कर दिया था उन्होंने कि बढ़ना चाहिए था इनका एटॉमिक मास, लेकिन नहीं बढ़ा। कोबाल्ट का एटॉमिक मास निकल से अधिक पाया गया। कोबाल्ट का एटॉमिक मास 58.93 था, जबकि निकल का एटॉमिक मास 58.69 था। जबकि अपनी पीरियोडिक टेबल में उन्होंने कोबाल्ट को निकल से पहले रखा था। इनकी पीरियोडिक टेबल में दूसरी कमी ये थी कि सम एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप। कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम होते हुए भी उनको अलग अलग जगह रखा गया था, जबकि इन्होंने बताया था कि सेम प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में रखा जाएगा। और कुछ ऐसा भी हुआ कि एलिमेंट्स को साथ साथ रखा गया था लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग थी। इनकी पीरियोडिक टेबल की थर्ड कमी ये थी कि हाइड्रोजन वाज नॉट गिवन फिक्स्ड पोजीशन। इन्होंने हाइड्रोजन की कोई फिक्स पोजीशन नहीं रखी थी,
इन्होंने नहीं बताया था कि हाइड्रोजन कहाँ आएगा। ऑल द आइसोटॉप्स ऑफ अ सेम एलिमेंट वर प्लेस्ड इन द सेम प्लेस इवन दे हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस। और उन्होंने कहा था कि एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स को सेम जगह रखा जाएगा जबकि उनका एटॉमिक मासेस कुछ भी हो। जबकि उन्होंने बताया था कि उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाई है उसमें एलिमेंट्स का अरेंजमेंट इस तरह है कि उनका एटॉमिक मास इंक्रीज होता रहे। तो यहाँ पर इनकी पीरियोडिक टेबल में कुछ कमियाँ पाई गई जिसके कारण इसको फेल कर दिया गया। लेकिन इनकी कुछ अच्छी क्वालिटीज़ भी थी जो इन्होंने बताई थी कि फ्यूचर में कई एलिमेंट्स खोजे जाएंगे जिनके लिए उन्होंने अलग से स्पेस रखा था। जब ये सब पीरियोडिक टेबल में नाकाम रहे तो एक नई पीरियोडिक टेबल आई जिसको हम अभी तक यूज़ करते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम सिर्फ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। इस क्लास में हमने देखा कि कई सारे साइंटिस्ट ने पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश की लेकिन काफ़ी हद तक वो फेल हो गए। लेकिन जो साइंटिस्ट थे मेंडेलीव, उनको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा गया क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट्स किए थे और कई ऐसी बातें बताई थी जो अभी तक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में काम आती।